हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज मैं आपके लिए लाया हूँ काफी सारे कमाल के गैजेट्स। गाइज, आपने एक ऐसा ड्रोन देखा है जिसे आप हवा में उड़ाने के साथ साथ आप पानी में भी चला सकें, या आपने एक ऐसी वॉशिंग मशीन देखी है जिसे आप अपने हाथों की मदद से यूज कर पाएं, और आपको एक ऐसा स्कूटर दिखाने वाला हूँ जिसे आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड और भी काफी सारे गैजेट्स जो आपकी डेली लाइफ में काफी काम आएंगे। सो गाइज, हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैटमैन नाइफ। गाइज, अगर आप बैटमैन के फैन हैं तो ये नाइफ आपको जरूर पसंद आएगा। ये बैटमैन के डिजाइन में आने वाला नाइफ है। बात की जाए इसके शार्पनेस की तो ये काफी ज्यादा शार्प नाइफ है, और दो साइड से आप इस नाइफ को ओपन कर सकते हैं। इसके बीच में आपको एक बटन देखने को मिल जाता है जिसे दबाते ही ये ओपन हो जाता है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे जिसे आप अपनी पसंद के हिसाब से खरीद सकते हैं। सो गाइज, आप इसका यूज सेल्फ डिफेंस और छोटे मोटे कटिंग लाइक कार्डबोर्ड ओपन, पेपर कटिंग करने के लिए कर सकते हैं। इजी वॉश 2.0। गाइज, जब भी हम लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो हम क्लॉथ वॉशिंग नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं इस खास गैजेट का। इसकी खास बात यह है कि ये साइज में छोटी होने के साथ साथ नॉन इलेक्ट्रिक है। आपको बस इसके अंदर पानी और डिटर्जेंट पाउडर डाल लेना होता है, और उसके बाद इसके हैंडल को घुमाकर आप कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। और इसके गंदे पानी को निकालने के लिए इसमें साइड से पाइप भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसके गंदे पानी को भी निकाल सकते हैं। ये आपके लॉन्ग ट्रिप पर्पस के लिए काफी अच्छा गैजेट हो सकता है। आप इसे अपने घर पर छोटे मोटे कपड़ों को वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये गैजेट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फोल्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। गाइज, ये फोल्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे आप छोटे मोटे कामों के लिए कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, और ये काफी इजी टू यूज है। इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 10 इंच के व्हील मिल जाते हैं जिससे आप इसे गड्ढों या फिर स्पीड ब्रेकर में भी चला सकते हैं। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसे लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्मार्टफोन के अलावा और इसे खोल नहीं पाएगा, और आप इसे एक बार चार्ज करके 35 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इसमें आपको नाइट के लिए फ्रंट और रियर LED लाइट मिल जाती है जिससे आप इसे नाइट में भी चला सकते हैं, और राइड पूरी होने के बाद आप इसे फोल्ड करके बड़ी आसानी से अपनी कार में कैरी कर सकते हैं। सो गाइज, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। रिमोट कंट्रोल बर्ड। गाइज, अगर आप नॉर्मल ड्रोन चलाते चलाते बोर हो चुके हैं तो आपको ये गैजेट काफी पसंद आने वाला है। बेसिकली ये ड्रोन एक बर्ड की शेप में आता है जो दिखने में बिल्कुल एक रियल बर्ड की तरह दिखाई देता है। सिंपली आपको इसके पावर बटन को ऑन करके इसे हवा में छोड़ देना है, उसके बाद आप इसे रिमोट कंट्रोल की मदद से इसे कंट्रोल कर पाएंगे, जो बिल्कुल एकदम रियल बर्ड की तरह हवा में उड़ता है। सो गाइज, अगर आप भी इस बर्ड के साथ खेलना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। क्लिप इट। गाइज, अब देख लीजिए छोटे से गैजेट को। ये छोटा सा गैजेट आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। गाइज, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम यूज करते रहते हैं और उतारते रहते हैं, जैसे कि सनग्लासेस, एयरफोन, लेकिन गाइज उसे उतारने के बाद हमें उसे बैग में रखना पड़ता है और यूज करने के लिए फिर से बैग से निकालना पड़ता है, जो कि बार बार करने पर हमें काफी परेशानी होती है। तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस क्लिप का। इस क्लिप को आपको अपने बैकपैक पर लगाना होता है, और फिर इजिली आप इसमें अपने एयरफोन, गिम्बल, सनग्लासेस एंड और भी काफी सारी चीजों को क्लिप करके रख सकते हैं, जो आपके काफी टाइम को बचाएगा और आपको बार बार बैग को खोलने वाली प्रॉब्लम से भी बचाएगा। सो गाइज, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं। पॉकेट स्केटर। गाइज, अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि वीडियो के अंदर बीरोल शॉट्स कितना ज्यादा खूबसूरत बना देता है वीडियो को, लेकिन गाइज बीरोल शॉट लेने के लिए आपको एक स्लाइडर को खरीदना पड़ता है। तो आप इस गैजेट को ट्राई कर सकते हैं। ये एक स्लाइडर के जैसा ही स्केटबोर्ड है जिसमें आप अपने DSLR एंड फोन को लगाकर स्लाइडर शॉट ले सकते हैं। बात करें इसके क्वालिटी की तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें आप अपने DSLR, GoPro एंड और भी काफी सारी डिवाइसेस को लगाकर बीरोल शॉट्स ले सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ आपको 3 व्हील देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काफी स्मूथ स्लाइडिंग करता है और बिल्कुल स्टेबल रहता है। अगर आप प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं तो ये गैजेट आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
अल्फा 1 प्रो रोबोट। गाइस अब जो रोबोट आप देख रहे हैं इसे देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है जिसको आप सिर्फ कंट्रोल कर पाए। गाइस इस रोबोट में काफी सारे मूवमेंट इंस्टॉल किए गए हैं जिस वजह से हर काम को कर लेता है। अगर आप एक जिम लवर हैं तो पुशअप्स भी ये रोबोट करता है जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें डांस मूवमेंट भी फिट किए गए हैं जिस वजह से रोबोट डांस भी करता है। और गाइस इस रोबोट की मदद से आप अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट भी करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं और आप इससे डांस, फाइट, पुशअप्स एंड और भी काफी सारी चीजें करवा सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको ये रोबोट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिनी बॉलिंग गेम। गाइज आपने बॉलिंग गेम मॉल्स वगैरह में तो खेला ही होगा, अगर नहीं खेला तो देखा तो जरूर होगा। अगर आप भी ये गेम अपने घर पर ही खेलना चाहते हैं तो इस छोटे से टॉय सेट को परचेज कर सकते हैं जिसकी मदद से आप काफी इजीली गेम को खेल पाएंगे और गेमिंग क्लब वाली फीलिंग ले सकते हैं। ये एक मिनी गेम होता है जो बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप भी इसे खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं और गेम का मजा ले सकते हैं। ल्यूम क्यूब स्ट्रोब। गाइस ड्रोन उड़ाना तो हम सभी को पसंद होता है और गाइस कभी कभी हम ड्रोन को हवा में इतना ऊपर उड़ा देते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते और वो क्रैश हो जाता है या फिर कहीं खो जाता है, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस छोटे से गैजेट का। ये एक ब्लिंकिंग लाइट होती है जिसे आपको ड्रोन के ऊपर अटैच कर देना होता है और ये आपको सिग्नल दे देगा कि ड्रोन कहाँ पर है। आप ड्रोन को कितना भी ऊपर उड़ा लें आप इसे इजीली देख सकते हैं। इसमें आपको लाइट के अलग अलग ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सो गाइज अगर आपके पास भी एक ड्रोन है तो आप इस गैजेट को ड्रोन में लगाकर उसे इजीली फाइंड कर पाएंगे। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गेयर टाई। गाइज ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों को बांध कर रखनी पड़ती हैं और हम बांधने के लिए रस्सी का यूज करते हैं जिसे हमें अच्छे से बांधना होता है, नहीं तो वो टूट जाती हैं या फिर खुल जाती हैं और हमें काफी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब देख लीजिए इस गैजेट को, ये प्लास्टिक और रबर से बनाया गया है जिससे आप छोटी मोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों को भी आसानी से बांध सकते हैं और इजीली खोल भी सकते हैं। सिंपली आपको इसको पकड़कर आपको इसे घुमा देना होता है और ये उसी जगह पर अटक जाता है। ये काफी कूल प्रोडक्ट है जो आपके काफी काम आ सकता है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इसे परचेस कर सकते हैं। इचिन E16। गाइस ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं शायद ही इस तरीके का ड्रोन आपने पहले कभी देखा होगा। ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है जो सिर्फ आसमान में उड़ सकता है, ये एक ऐसा ड्रोन है जो आसमान में उड़ने के साथ साथ ये जमीन पर और पानी में भी चल सकता है एक जेट बोट की तरह। आप इसे इसके रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके इसे रोटेट, स्पिन और काफी सारे स्टंट करा सकते हैं और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है। बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो एक बार फुल चार्ज करके आप इसे 25 मिनट तक चला सकते हैं। सो गाइस अगर आप एक ड्रोन सर्च कर रहे हैं जिसे आप हवा में उड़ाने के साथ साथ पानी में भी चला सकें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। डॉग रोबोट। गाइज ये छोटा सा डॉग रोबोट आपको काफी पसंद आएगा जिसे आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही आप इसके जेस्चर कंट्रोल से इसे कंट्रोल कर पाएंगे जिससे आप अपने हाथों के इशारों से ही इसे कंट्रोल कर पाएंगे। इससे आप डांस करा सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं एंड भी बहुत कुछ करा सकते हैं। ये डॉग की रियल साउंड भी निकालता है। सो गाइज अगर आप भी इसके साथ खेलना चाहते हैं या बच्चों को कुछ इस तरीके का टॉय देना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।